हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास के लिए सीधी भर्ती निकली है, जिसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा आपका। यदि आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ कैश वॉप्स भी। दोस्तों, इस चैनल पर हर रोज़ एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। और दोस्तों, हमारा एक दूसरा और चैनल है जिस पर इससे भी अच्छी अच्छी अपडेट मैं डालता रहता हूँ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप KTDT वीलॉग नाम से सर्च कर सकते हैं, वे वीडियो देख के भी आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है KTDT jobnews.com, ये ओपन हो जाएगी। आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट, तो ग्रामीण डाक सेवक की ये भर्ती है GDS पद के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, कुल पद 1735 है, उम्र 18 से 40 साल है, जॉब लोकेशन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड है। दिल्ली में 174 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 757 वैकेंसी है, झारखंड में 804 वैकेंसी है। 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप और महिला के लिए कोई भी फीस नहीं है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है इंटरनेट से, अप्लाई करने का लिंक नीचे दिया गया है, और 10वीं के नंबरों के हिसाब से आपकी मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां बात की जाए तो 6 जून से फार्म शुरू हो चुके हैं, 5 जुलाई तक आप ये फार्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है, 5 जुलाई तक। और इसके लिए महिला और पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकता है। जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की आपको लोकल भाषा आनी चाहिए। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फ़ीस भरना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके फ़ीस भर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन स्टेटस जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन स्टेटस जान सकते हैं। और यदि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं आप सभी जगह, ठीक है। और दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए आप किस प्रकार की जॉब का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है और आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। यदि आप पुराने पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पुराने पेपर भी अवेलेबल हैं। धन्यवाद दोस्तों।